नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, यह प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट्स अलग होता है, सबका चॉइस अलग होता है, सबकी पसंद भी अलग होती है। तो हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के कुछ ना कुछ काम आए, तो किसी और के लिए प्लीज़ यह प्लान या यह वीडियो शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हम इस चैनल पर ला चुके हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, छोटा सा प्लान है, 15 फीट 6 इंच बाय 37 फीट का यह प्लान है, मतलब 15.5 बाय 37 फीट का यह प्लॉट है, जिसमें देखेंगे तो देखिए एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन एडजस्ट किया गया है। ठीक है, छोटा सा प्लान है, छोटे प्लान के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्लान है। हो सकता है यह प्लान किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम आए या आपको कुछ ना कुछ इस प्लान से जानकारी मिले। तो देखिए, प्लॉट का साइज समझ लीजिए, 15 फीट 6 इंच जो है यहाँ से यहाँ तक है, मतलब विड्थ है, और 13 फीट 7 इंच जो है हमारा लेंथ है। ठीक है, और सामने जो देखेंगे तो ये जो ये साइड है हमारी, इस साइड में रोड है, और रोड से हम जैसे ही एंट्री कर रहे हैं तो देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे इस यहाँ पे छोटी सी स्टेप्स है, इस स्टेप से हम इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे एक वरांडा रहेगा और इस वरांडे से एक तो हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं या तो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। ठीक, देखिए ऊपर की मंजिल की तरफ जाने के लिए हमारी स्टेप्स जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस स्लैब पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और यह जो स्टेप्स है ऊपर की मंजिल के लिए भी, मतलब जितने भी आप फ्लोर ऊपर बढ़ाते जाएंगे यही स्टेप्स, इसी टाइप में स्टेप्स आपकी यूज़ हो सकती है। तो रेंट के हिसाब से भी ऊपर की फैमिली को अगर देना है आपको तो ये स्टेयर जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि बाहर से ही यूज़ होगा, नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा मेन एंट्री रहेगी, इस मेन एंट्री के एंट्री से हम एंट्री करेंगे तो लिविंग रूम में एंट्री करें। देखिए आउटर वॉल जो है 9 इंच का है और इनर वॉल जो है 4 इंच का है, इसको आप कम ज़्यादा मतलब 6 इंच का भी कर सकते हैं अगर आपके आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए लिविंग रूम का साइज 14 फीट बाय 10 फीट का है, मतलब 14 फीट ऐसा है और 10 फीट इस साइड में है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है, एक विंडो यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर इस साइड में कुछ जगह है आपकी तो इस साइड में भी एक विंडो दे सकते हैं। और इसके बाद में देखेंगे तो देखिए टीवी यूनिट यहाँ पे लगाया है, उसके बाद में हम यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का पैसेज आ रहा है इस साइड में जाने के लिए। और तो बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं, देखिए बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का, मतलब 10 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का एक छोटा सा बेडरूम है। इसको भी देखेंगे तो पीछे की साइड में आप विंडो दे सकते हैं अगर इस साइड में जगह है, या इस साइड में जगह है तो इस साइड में भी विंडो दे सकते हैं। अगर दोनों साइड में आपकी जगह नहीं है तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा डक रख सकते हैं और ये जो बाथरूम है बाथरूम को इधर सरका सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक डक रहेगा तो इस डक से क्या होगा कि इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा, यहाँ पे हमारी विंडो बैठ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम किचन में एंट्री कर रहे हैं, देखिए किचन का साइज़ जो मिल रहा है हमें 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट का है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक बाथरूम एडजस्ट किया गया है 4 फीट बाय 4 फीट का, और 3 फीट बाय 4 फीट का एक टॉयलेट एडजस्ट किया गया है। और इसको देखेंगे तो पीछे साइड में कुछ जगह छोड़ी है तो इस साइड में एक वेंटिलेटर रहेगा, और इस साइड में जगह है आपकी तो इस साइड में भी आप वेंटिलेटर दे सकते हैं। और अगर पीछे की जगह आपको यूज़ करना है तो देखिए किचन में से एक डोर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ से डोर रहेगा तो इस साइड में यूटिलिटी रहेगी और ये पीछे की जो जगह है हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पीछे भी एक विंडो दिया गया है इस किचन को, अगर इस साइड में आपकी जगह है तो इस साइड में भी आप विंडो दे सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्लान है, 15 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 7 इंच का, ऊपर वही प्लान आप सेम प्लान रिपीट कर सकते हैं जो दूसरी फैमिली यूज़ कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है और यह प्लान भी आपको पसंद आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और नहीं भी पसंद आता है तो प्लीज़ किसी और के लिए यह प्लान शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हम इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।